देखिए, आंदोलन हुआ करते हैं जब सरकार बात ना सुने, और जब सरकार कह रही है कि आ लो हमारे साथ बात कर लो, तो फिर आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये डेडलॉक समाप्त होना चाहिए और बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए। देखिए, अगर बातचीत होके मसला ही ख़त्म हो जाता है तो फिर देखेंगे आगे क्या होता है। नहीं, आप एक चीज़ देखिए, जो बिल लागू हुए हैं वो सारे देश के लिए हुए हैं। 36 प्रदेश हैं और किसान केवल पंजाब का आया है, बाकी किसी प्रदेश का हिंदुस्तान में किसान आंदोलन नहीं कर, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी ना। केवल क्या बाकी जो किसान हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या वो समझदार नहीं है? महाराष्ट्र का किसान क्यों नहीं आया? तेलंगाना का क्यों नहीं आया? गुजरात का क्यों नहीं आया? केवल पंजाब का ही किसान आया है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पीछे राजनीति काम कर रही है, और पंजाब में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो ऐसा लग रहा है कि अमरिंदर सिंह ने ही सबको उकसा कर भेजा है। क्या सर, अगले साल जो चुनाव होने उसको लेकर भी ये राजनीतिक घटना? बिल्कुल, उसी को सामने रख के ये खेल खेला जा रहा है। सर, हरी शर्मा के मामले में हरियाणा के किसान भी तो गए हैं सर, रिपोर्ट मांगी सर आपने, गिनती के हैं। सर, अंबाला में सर काले झंडे दिखाए गए थे सर आप लोगों द्वारा? मैंने तो देखे नहीं किसी के, वीडियो वायरल हो गया। कोई कोने में खड़ा होगा, मैंने तो ध्यान। सर, एक चीज और, पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो फोन कॉल को लेकर आपस में खींचा तानी चल रही है, और जो सीएम ने कहा था कि फोन नहीं किया लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते फोन किया था, उस पर क्या कहना? देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अपनी कॉल की डिटेल्स दे दी, और पंजाब के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे मोबाइल पर कर रहा था, उन पर फ़ोन क्यों किया? भाई, पंजाब से इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति पैदा हो सकती है, तो क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री को पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करके फीडबैक नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। और किसी भी टेलीफोन पर किया? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री का अपने स्टाफ से अपने अमले पर बिल्कुल नियंत्रण ख़त्म हो चुका है कि अगर किसी और भी टेलीफोन पर अगर फ़ोन आया तो उन्होंने बात नहीं करवाई? फीडबैक ली जाती है कि अभी कितने लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या इंतज़ाम करना है? आंदोलन में से एक किसान ने बोला, चलो भाई, चलो भाई।